ये कोई होटल है? मेरी जान, ये नर्सिंग होम है। तो क्या मुझे घर से भगा कर नर्सिंग होम में रखोगे? शामली, होटल और नर्सिंग होम में फर्क ही क्या है? होटल में खाना डिलीवर होता है, नर्सिंग होम में बच्चे डिलीवर होते हैं। होटल में सोने के लिए पलंग मिलता है, नर्सिंग होम में सोने के लिए बेड मिलते हैं। होटल में खिदमत के लिए बॉयज है तो नर्सिंग होम में नर्सेज हैं। हाँ, एक काम करना पड़ेगा, जब तक हमारे तुम्हारे रहने का दूसरा इंतजाम ना हो जाए तू गूंगी बन जा। तो क्या मैं अपनी जबान को ताला लगा लूं? एग्जैक्टली, इसमें हर्ज क्या है? जानू देख, तू वैसे भी ज्यादा बोलती है, दो चार दिन अपनी जबान को आराम दे देगी तो तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। आइंदा तुझसे कोई भी सवाल करे तो तू यूं जवाब देना, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आवाज पाई, भेड़े भी शर्मा जाए। चल शंकर बीसी छातो कड़ी। अरे मामा जी, आप यहाँ कैसे चले आए? पहले हम लोग ट्रेन में आए, उसके बाद मोटर में, फिर पाँव पाँव। अच्छा, माता जी पिताजी तो अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, जीजा जी की मुझे दिन ब दिन कड़क होती जा रही है और दीदी बिचारी दिन ब दिन ढीली होती जा रही है। यहाँ किसी जरूरी काम से आना हुआ? हाँ मान जी, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ये लड़की है ना, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, डर्बी के घोड़े की तरह चबर चबर बातें करती थी, और एक दिन अचानक बोलते बोलते बंद हो गई। मेरा मतलब है गूंगी हो गई। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शामली। शामली? अच्छा, तो क्या ये बिल्कुल नहीं बोलती? अब तुम टेस्ट ले लो ना इसका। लड़की, जरा अपनी जबान तो दिखाओ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? भांजे भांजे भांजे, मेरी बात सुनो। अब इसके माता पिता दादा दादी सबका नाम बा बा। इसकी बीमारी को कितना अरसा हुआ? ये करीब 4 साल 9 महीने 5 दिन, और अभी कितना बजा है? 5 बज रहे हैं। बस ये 5 घंटे हैं। ओहो, तो इससे पहले क्या इसकी जबान साफ थी? साफ? अरे ऐसी साफ थी कि जिस मोहल्ले में ये लोग रहते थे ना, वहां के लोग अपने घरों में डबल दरवाजे लगाते थे। अरे कॉलेज के जमाने में यही तो एक लड़की थी जो 2000 लोगों के बीच में बगैर लाउड स्पीकर के लेक्चर दिया करती थी। मगर ये बै बै करके क्यों हंस रही है? बात दरअसल ये है भांजे, कि जब ये गूंगी हुई थी ना, तो इसके सामने एक बोकुड़ खड़ा था। बोकुड़? बोकुड़ मतलब बकरा। तब से ये रोते हंसते बा बा करती है। अच्छा, तो अब समझा। सुनो, कल मैं इसका टेस्ट लेता हूँ, शायद इसकी बीमारी ऑपरेशन से ही दूर हो जाए। ऑपरेशन? आज तक मैं दूसरों का ऑपरेशन करती आई हूँ, अब तुम मेरा ऑपरेशन करोगे? अरे गोरख मामा, ये तो बोलती है। हाँ भांजे, मैं तुमको ये बताना भूल गया, कभी कभी ये ऐसा सेंटेंस मारती है कि टूटे घुटना फूटे हाँ। अरे भाई, अब बुलवा के देखो। तो क्या तुम ऑपरेशन से डरती हो? बा, 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 हाँ, देखो, बा। तो वही बोकड़ वाली बात। अजीब कंफ्यूजिंग केस है। खैर कोई बात नहीं, देखो तुम इसे 5 नंबर के स्पेशल वार्ड में दाखिल करा। मैं भी वही साथ में रहूंगा, मैं कल से इसका इलाज शुरू करूंगा। अच्छा, चल ले जाओ। सुनिए जी। क्या है जी? धुआं उधर छोड़ो, तंबाकू की बदबू मुंह में घुसी जा रही है। शाली, पाइप में तंबाकू ही पिया जाता है, सेंट नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि इस नर्क में कब तक रहना है? जब तक स्वर्ग का ऑर्डर ना मिल जाए तब तक। जी नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। आखिर तकलीफ क्या है? मुफ्त में कमरा है, मुफ्त का खाना है और मुफ्त का रोमांस। और तुम भी तो मुफ्त में आती जाती नर्सों को ताड़ते रहते हो, अगर किसी की जुल्फ में गिरफ्तार हो गए तो मैं कहाँ की रहूंगी? शाहबी, कभी कभी तू अपने बाप बालू सिंह की तरह बेवकूफों जैसी बात करती है। अरे मैं तेरी जैसी किशमिश को छोड़कर मूंगफली थोड़ी खाऊंगा। इतना घटिया आशिक नहीं हूँ कि तेरा हाथ छोड़कर किसी नर्स का हाथ पकड़ लूं। तो फिर सारा दिन ताक झांक क्यों करते रहते हो? पगली कहीं की। अरे ये नर्सें भी तो महिलाएं होती हैं। अगर दिन में एक बार प्यार भरा लुक ना मार दूं तो बिचारियों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं नहीं जानती, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अगर घर से भगा कर ही लाना था तो पहले ठोर ठिकाना ढूंढना था। डॉक्टर आ गए। मामा, 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 ये क्या हो रहा है? भांजे, मैं पाइप से इसकी जबान को सेक रहा था। मामा, तुम जानते नहीं नर्सिंग होम में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं? ये बात है तो मैं कल से विस्की पीऊंगा। मामा,
लड़की पाइप फेंक दो, मैं अभी तुम्हारे ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। Hell with you and your operation, doctor. मैं बोल सकती हूँ, इतनी जोर से बोल सकती हूँ कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, आपके नर्सिंग होम के मरीज बिस्तर छोड़कर भाग जाएंगे। मामा, ये मुसीबत कहाँ से ले आए? ये तो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड की तरह बोले जा रही, बोले जा रही। भांजे, इसकी सुई कभी कभी अटक जाती और कभी कभी चालू हो जाती। डॉक्टर, आपका मामा आपको मामा बना रहे हैं। मामा, न मैं घूमी हूँ ना कभी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको डायलॉग सुनाती। शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, घर फूंक के तमाशा न देखा तो क्या देखा। हिरनी तो चली गई मगर हिरनी की आंखें देख रहा हूँ। अगर आपको मेरे डायलॉग पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको गाना सुनाती हूँ। सारंगा तेरी आदमी दिन का देते हैं नरे। आप कहिए मामा जी। वाह, इसका ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर, ये गूंगा है। डॉक्टर, इनसे आज कमरा खाली करवाओ। करवा लो, इनसे कमरा खाली करवा लो। शंकर बेटी। माँ, पिताजी, आप अचानक? अचानक वचानक छोड़, पहले ये बता सब कुशल है? जी सब ठीक है, लेकिन आप तीर्थ यात्रा से कब लौटे? जब तुमने देख लिया। ये बैठे बैठा है आपको तीर्थ यात्रा की क्या सूझी? बेटे, बहुत दिनों से मन में कुछ अशांति सी थी, रोज रोज तेरी माँ के दर्शन करते करते बोर हो गया था, सोचा चलो चलकर देवी देवताओं के दर्शन ही करा। हाँ चलो तो अच्छा ही किया, जन्म जन्म के पाप तो धुल गए। तुम्हारे मेरे नहीं, मैंने तो जिंदगी भर पुण्य ही पुण्य किए। कम इन। यस डॉक्टर। मैं आपको ये खबर देने आई थी कि लक्ष्मी का बुखार अब नॉर्मल हो चुका है। वेरी गुड, लुक आफ्टर। बेटे, ये लक्ष्मी कौन है? पिताजी, वही लक्ष्मी, दीपक की बहन। मैं अपने नर्सिंग होम में उसका इलाज कर रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मी तेरे नर्सिंग होम में कैसे पहुंच गई? माँ जी, जब मैं बैंगलोर लौट रहा था तो रास्ते में लक्ष्मी आत्महत्या के इरादे नदी में कूद पड़ी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। शंकर, क्या डॉक्टर भी बेवकूफ होते हैं? अरे लोगों को पता लगेगा तो क्या क्या बातें होंगी। तुझे लक्ष्मी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मरती थी तो मरने दिया होता। शंकर बेटे, मुझे तुमसे उम्मीद न थी। उस लड़की की जान बचाने से क्या फायदा जिसने अपने गरीब भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, दुनिया खामखा हम पर उंगलियां उठाएंगे। बेटे, पिताजी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी माँ जी की हाँ में हाँ मिलाएंगे। जिसका मन साफ हो वो तालाब में कीचड़ पर नजर नहीं डालता, तालाब में चांद की परछाई देखता है। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और अब आप ही मुझसे ये आशा रखते हैं कि मैं किसी को डूबते हुए देखकर उसे डूबने दूं। हमें समाज से डरना चाहिए लेकिन अपना जमीर बेचकर नहीं। शंकर की माँ बात तो ये भी सच्ची कहता। आपका भी जवाब नहीं, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास। देखो जी, तुम मुझे अपने बेटे के सामने डांटो मत। शंकर बेटे, हम तुझसे बहुत खुश हैं। जो कुछ तूने किया वो एक डॉक्टर का फर्ज था। भाई साहब, जरा सिगरेट देना, पाइप जलाना। माफ करना। न जाने किसने कट्टू से पाला पड़ा है, अब क्या फुटपाथ पे सोएंगे? ठीक है, कुछ दिनों ओपनर रोमांस ही सही। ओपनर? हाँ, क्यों, जब ओपनर थिएटर हो सकता है, आजकल तो ओपनर सिनेमा भी बन रहे हैं, तो फिर ओपनर रोमांस क्यों नहीं। शामली, वो देख अपना दीपक टैक्सी में। दीपक के शहर में? हाँ, तो देख टैक्सी के बाजू में क्या लगा पाल। केसी ट्रांसपोर्ट याद रखना। चल चल के अपने डॉक्टर भांजे को दिखाए। चल भांजे। क्या बात है मामा जी? भांजे, दीपक मिल गया। दीपक कहाँ है? वो इसी शहर में है। वो टैक्सी चला रहा था। हाँ, टैक्सी चला रहा था। अरे वो टैक्सी के ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। क्या क्या था? केसी ट्रांसपोर्ट। केसी ट्रांसपोर्ट, ये तो अपनी ही कंपनी का नाम है। हेलो, केसी ट्रांसपोर्ट। हाँ, मैं डॉक्टर शंकर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, तुम्हारे यहाँ कोई दीपक नाम का ड्राइवर है? जी है, कहिए क्या बात है। वो मेरा दोस्त है। देखो, जब वो ड्यूटी से वापस आए तो उसे कहना फौरन मुझे टेलीफोन कर। देखो दीपक, देखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, शायद ये इशारा ऊपर वाले का है। मांगले श्री परमा साधे शरणी त्र्यंबके गौरी।
हाय जीज, हाय जीज। भाई आजकल अफवाह ये है कि इनकी मेरे साथ शादी हो गई, तो मैंने तय कर लिया कि आज शादी कर ही डालू ताकि मेरी दीदी को इतना बोझा लेकर मेरी बारात में ना आना पड़े। पंडित जी एक दो मंत्र हम लोगों के लिए, हाथ हम लोग लेकर डालें। हाँ शुभम भवतु कल्याणमस्तु। एक जोड़ा वो है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है, और एक ये बूढ़ा जोड़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे भांजे छा तो कड़ी बीसी शंकर का क्या हुआ, इसकी शादी कब होगी? मामा जी मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी दो चार बरस और इंतजार कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी और मुन्ना की शादी इकट्ठे ही होगी।